अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम एक्सरसाइज 15 बुक पेज 77 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के। 1 से लेके 5 क्वेश्चन हमने कल किए थे एक्सरसाइज 15 के, और आज हम 6 से लेके 10 तक नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 3/10 प्लस 2/10। अब हमने इसको ऐड करना है, ये लाइक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमीटर्स दोनों के सेम है 10 10, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीडाइट करेंगे। 3/10 प्लस 2/10। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लिख के एक बड़ी लाइन लगानी है ऐसे ऊपर। अब हमने जब डिनोमीटर सेम होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगी, तो जस्ट हम न्यूमीटर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, 3 प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे 2, और नीचे 1 टाइम क्या लिखेंगे 10। सिर्फ न्यूमीटर्स को ऐड करना है, डिनोमीटर्स को ऐड नहीं करेंगे। अब इसको ऐड करके क्या आंसर आएगा, 3 प्लस 2 क्या आएगा 5, और नीचे क्या आएगा 1 टाइम, नीचे ऐसे 10 आ जाएगा। ऊपर वाले को ऐड करेंगे 5 और नीचे 10 वैसे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अब हमारे बस 3 फ्रैक्शन जिनको हमने ऐड करना है। पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्वेश्चन को रीडाइट किया, इक्वल टू लगाया, अब हम बड़ी लाइन ऐसे लगाएंगे। देखें सबके डिनोमीटर 3 है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमीटर सेम है, हम जस्ट न्यूमीटर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, इसका फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमीटर 2 है ना, तो हम 2 लिखेंगे। इसका क्या है 1, इसका 1 लिखेंगे, प्लस इसका न्यूमीटर 1 है तो ऐसे 1 लिख देंगे। और नीचे हमने 1 टाइम लिखना है 3, क्योंकि डिनोमीटर सेम है, उसको 1 टाइम लिखेंगे, जस्ट न्यूमीटर्स को ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनको प्लस कर, अब हमने 3 को नंबर्स को ऐड करना है, 2 प्लस 1 3 और 1 4, तो हम लिखेंगे 4/3, जो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर रहे हैं। अब देखें क्लास, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 3 फ्रैक्शंस हैं, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11, डिनोमीटर सबके सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो पहले हम रीडाइट करेंगे, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11, सबका डिनोमीटर 11 है, डिनोमीटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, जस्ट हम न्यूमीटर्स को ऐड करेंगे। या इक्वल टू लिख के एक बड़ी लाइन लगाएंगे ऐसे। अब हमने तीनों फ्रैक्शन को, इसका फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमीटर 3 प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे 5 प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे 2, और नीचे 1 टाइम 11। अब हमने इनको ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है, 3 प्लस 5 क्या होगा 8, 8/2 ऐड किया तो 10, 10/11, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले हम डीराइट करेंगे, 7/12 प्लस 1/12 प्लस 3/12। अब हमने इनको ऐड करना है, यहाँ पे भी 3 फ्रैक्शन है, डिनोमीटर सबके सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, जस्ट हम न्यूमीटर्स को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे ऐसे, पहले हम लिखेंगे 7 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमीटर 1 प्लस थर्ड फ्रैक्शन का न्यूमीटर 3, 7 प्लस 1 प्लस 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे, और नीचे 1 टाइम लिखेंगे 12। सिर्फ न्यूमीटर्स को ऐड करना है, डिनोमीटर्स नीचे वाले डिनोमीटर्स को ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7 में 1 ऐड करें तो 8, 8 में ऐड करें 3 11, तो हम लिखेंगे 11/12, ये इसका आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2/9 प्लस 3/9 प्लस 5/9, सबके डिनोमीटर्स 9 हैं, डिनोमीटर सेम है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, हम लिखेंगे 2/9 प्लस 3/9 प्लस 5/9, सबके डिनोमीटर सेम है 9 9, तो हम जस्ट न्यूमीटर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे एक बड़ी लाइन ऐसे। अब हमने न्यूमीटर्स को ऐड करना है, हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे बताएं, यहाँ 2 प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे 3 प्लस नेक्स्ट का लिखेंगे 5, और नीचे हम क्या लिखेंगे 1 टाइम 9। अब हमने इनको ऐड करना है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10/9 इज़ द आंसर। तो आज हमने ये एक्सरसाइज 15 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन किए हैं, 6 से लेके 10 तक। तो आपने इन 5 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, फिर आपने इन 5 क्वेश्चन की रफ कॉपी में अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और अपनी मदर को या ट्यूटर को आपने चेक करवाना है। ओके, लाफ इस क्लास।